लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे जिसे देखकर और सुनकर आप लोग यकीन नहीं करोगे। ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप लोग आपके कानों से धुआं निकलने लग जाएगा। ऐसी चीज़ है ये, देखिए यहाँ पे ये नारियल के छिलके पड़े हैं। छिलके तक तो सही है, लेकिन ये छिलके आए कहाँ से और क्यों आए और ऐसी जगह गंदे जगह पे ये नारियल के जो छिलके पड़े हैं क्यों पड़े हुए हैं। छिलकों का छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये देखिए छिलकों के साथ साथ इस नाव में आप लोगों को पूरा का पूरा नारियल दिख रहा होगा। इस साइड भी दिख रहा होगा, इस साइड भी दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये लोकेशन आपको हम दिखा देते हैं कि कहाँ की है। ये लोकेशन देख सकते हो कि ये गोमती रिवर फ्रंट के पास जो गोमती नदी बहती है वही है, यानी कि गोमती बैराज पास में है। इतना गंदा पानी है यहाँ का, देख सकते हो कि पानी के साथ इतना ज़्यादा मात्रा में झाग निकल रहा है कि आप जिसे देखकर यकीन नहीं करोगे। यहाँ इतनी बदबू आती है कि जिसे आप सूंघने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पास आते ही आप लोगों का मन एकदम विचलित तो हो जाएगा। अभी आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करोगे। एक्चुअली में ये जो नारियल आप लोग देख रहे हो और पड़ोस में जो इस साइड पे बैकुंठ धाम करके एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे जो शव या जो मुर्दा जलाए जाते हैं और उनके परिजन जो भी होते हैं परिजन, उनके नारियल वगैरह जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं या नदी में प्रवाहित की जाती हैं उनकी अस्थियों के साथ, तो उन अस्थियों का ये लोग क्या करते हैं, अस्थियों को बह जाने देते हैं और साथ में जो नारियल वगैरह होते हैं ना, है ना, कपड़ा कपड़ा और नारियल है ना, अच्छी सामान यूज के सामान जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो अपने यूज के लेवल की होती हैं, उन चीज़ों को ये लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अभी इन चीज़ों को निकाल के करते क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली में ये जो आप नारियल देख रहे हो ये मार्केट से खरीदे गए नारियल हैं, अच्छे नारियल हैं। नारियलों को जो लोग जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है जो चढ़ा के यहाँ फेंक जाते हैं या प्रवाहित करते हैं अस्थियों के साथ, तो ये जो नाविक हैं यहाँ जो नदी के किनारे बैठकर इन सब चीज़ों की रखवाली करते हैं, उन्होंने अपनी नौकाएं यहाँ पे लगा रखी। उस नाव से क्या करते हैं कि इस नाव के जरिए उन सभी नारियल और अच्छी वस्तुओं को निकाल लेते हैं। निकाल के करते क्या हैं, इनको फिर से साफ करके फिर से जो है रीसेल कर दिया जाता है मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, उन चीज़ों को हम लोग ख़रीदने के लिए फिर से पहुंचते हैं और उन चीज़ों को फिर से खरीद लेते हैं। अभी देखिए, अभी ये देखिए पानी में किस तरीके से ये धुले जा रहे हैं, कितना गंदा पानी है, एक झाग पूरी गंदगी दिख रही है किस तरीके से, साबुन भी रखा है और यहाँ पे धुलने के लिए ये देखिए सिलबट्टे वाला साबुन भी रखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये चीज़ सही लग रही है या गलत लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में हमने जो आपको जानकारी दी है और जो ये रीसेलिंग वाला नारियल का काम किया जाता है कितने हद तक सही है। सही है तो भी वीडियो को शेयर करें, आपकी नज़रों में गलत है तो भी वीडियो को शेयर करें, ये जानकारी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर। क्यों भाई,